हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नोहब अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट लर्न हब डॉट कॉम क्वेश्चन तो है यहां पे डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री इज डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेश मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है यहां पे जिसका हमें ऑर्डर एंड डिग्री क्या करना है जी हां बताना है तो यहां पे लिख लेते हैं ऑर्डर और यहां पे लिख लेते हैं डिग्री ठीक है अब ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो समझ लेते हैं जल्दी से ये y है जिसे हम है, क्या कहते हैं से हम, करें, तो हमें मिलेगा y dash, जिसको हम कह सकते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर अगेन डिफ्रेंसिएशन करने पर तो y मिलेगा वाई ट्रिपल डैश ठीक है तो जिसे हम लिख सकते हैं डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इसी तरह एंथ टाइम हम डेरिवेटिव करें डिफरेंशिएशन करें तो यहां पे भी क्या आएगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n ठीक है तो ऐसा हमें मिलेगा यहां पे कहते हैं इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आपका हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ठीक है अगर मैं इसकी पावर वन ले लू ठीक है तो क्या हो जाएगा इसकी डिग्री वन हो गई अगर इसकी पावर में थ्री ले लू तो इसकी डिग्री थ्री हो गई ठीक है तो आपको क्या समझना है यहां पे ऑर्डर का मतलब क्या है ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है ऑर्डर होता है यहां पर हाइएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है देखिए यहां पर डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की फोर प्लस साइन ऑफ वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू जीरो है तो यहां पर हाइएस्ट डेरिवेटिव है फोर तो ऑर्डर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा क्लियर है अब समझिए क्या इसकी डिग्री हम फाइंड कर सकते हैं यहां पर बोला गया है इफ डिफाइंड अब डिग्री कब डिफाइंड होती है और कब डिफाइंड नहीं होती है जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है पॉलिनोम में यहां पर पॉलिनोमियल है या नहीं समझिए अब सीधा सा सिंपल अगर मैं बताऊं अगर आपका डेरिवेटिव यानी कि वाई डैश वो किसी फंक्शन के अंदर आ रहा है यानी कि साइन वाई डैश है या फिर लॉग वाई डैश है ठीक है तब डिग्री नहीं है, तब डिग्री जो है डिफाइंड नहीं है मतलब फंक्शन एक दूसरे के जब अंदर आ रहा है अगर साइन वाई है तो इट इज फाइन साइन वाई है तो फाइन है लेकिन जो डेरिवेटिव है वो अगर किसी फंक्शन के अंदर है तो आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है तो यहां पे डिग्री है नॉट डिफाइंड ठीक है क्या लिख लेंगे हम नॉट डिफाइन यहां तक बात होनी चाहिए क्लियर क्वेश्चन टू है वाई डैश प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो अब वाई डैश क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर है तो यहां पे ऑर्डर हो जाएगा वन अब इसकी डिग्री क्या होगी आपको ये देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y डश उसकी पावर क्या है वन है तो डिग्री भी क्या होगी वन होगी यहाँ पे ds अपॉन dt की पावर 4 ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ठीक है इस टर्म की बात करें लेकिन यहां पे हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है तो जो ऑर्डर है इक्वेशन का वो टू हो जाएगा अब कोई लिख लेगा यहां पे डिग्री फोर नहीं डिग्री देखिए ये डिग्री फोर नहीं है आपको क्या करना है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है वन है तो डिग्री क्या हो जाएगी वन हो जाएगी इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उसकी पावर्स टू है ठीक है और यहां पे कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारे पास टू है तो इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा लेकिन डिग्री क्या करे डिग्री देखिए क्या डिग्री टू होगी नहीं होगी डिग्री टू क्योंकि यहां पे dy वाई बाई डी यानी कि डेरिवेटिव हमारा जो y डैश है वो cos के अंदर आ रहा है ठीक है तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड यहां पे लिख लेंगे नॉट डिफाइंड ये बात समझ आ जानी चाहिए सभी को क्या होना चाहिए समझ में आ जानी चाहिए अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सॉरी डी टू वाई इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस साइन थ्री एक्स है यहाँ पे हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है जी हाँ टू है तो ऑर्डर टू हो जाएगा और डिग्री क्या है ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा टू है उसकी पावर वन है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं question है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ ऑफ डिफरेंशियल मतलब हमें सिक्स टू टेन क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेके ले टेन तक जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उनकी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी है ठीक है अगर डिग्री भी कब फाइंड करनी है वो डिफाइंड है तो ही तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन सिक्स वाई ट्रिपल डैश का क्यूब मतलब ये कौन सा हुआ भाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर जिसकी पावर थ्री है वाई डैश की पावर फोर प्लस वाई की पावर फाइव इज इक्वल टू जीरो पे हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है थ्री है तो इस इक्वेशन की डिफ्रेंशियबल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होगी वो ऑर्डर हो जाएगी थ्री। ठीक है अब देखते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है समझिए हाईएस्ट पावर हमारे पास यहाँ पे फाइव है लेकिन क्या पावर वो डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट ऑर्डर की है नहीं हमें क्या चेक करना है जब हमें डिग्री चेक करनी होती है जब हमें डिग्री चेक करनी होती है तब हम देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या पावर है फिर वो वन हो या टू हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान इस पे जाना चाहिए उसकी पावर क्या है थ्री है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी थ्री हो जाएगी इसी तरह क्वेश्चन सेवन में है वाई ट्रिपल डैश प्लस टू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो यहां पर हाइएस्ट ऑर्डर क्या है देखिए वाई ट्रिपल डैश मतलब थर्ड ऑर्डर और यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर उसी का है तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा इक्वेशन का भी थ्री ही होगा क्या ये इक्वेशन डिफाइंड है डिग्री के लिए जी हाँ डिफाइंड है क्योंकि कोई भी हमारा डेरिवेटिव किसी फंक्शन के अंदर नहीं आ रहा है ठीक है या फिर आप बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल में नहीं है तो यहाँ पे वाई ट्रिपल डैश की हाइएस्ट पावर है वन है ठीक है तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी वन हो जाएगी इसी तरह क्वेश्चन एट में देख सकते हैं वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स है यहाँ पे वाई डैश मतलब क्या है ये एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या उससे ऊपर वाला कोई डेरिवेटिव है नहीं तो इस इक्वेशन के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और डिग्री क्या होगी जी हाँ उसकी पावर जो है वो वन है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी क्लियर है अब देखते हैं क्वेश्चन नाइन के बारे में क्वेश्चन नाइन में हमें कहा गया है वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो यहां पे ये एक वाई डैश ये भी एक डेरिवेटिव है और वाई डबल डैश भी डेरिवेटिव है लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो हाइएस्ट है तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा टू आ जाएगा उसकी पावर क्या है उसकी पावर वन है ठीक है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी कई बार हम जल्दी जल्दी में यहां पे पावर टू देख के डिग्री टू कराते हैं नहीं ऐसा नहीं होता जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो भी पावर है वही आपकी डिग्री होगी क्लियर है चलिए यहाँ पे, यहाँ पे कि साइन आ रहा है क्या मेरा फंक्शन यानी कि जो डेरिवेटिव है वो साइन के अंदर आ रहा है नहीं यहां पे साइन वाई है क्या है साइन वाई अगर साइन वाई डैश होता क्या होता साइन वाई डैश तो आपकी डिग्री क्या होती नॉट डिफाइंड होती लेकिन यहां पे क्या है वाई है तो डिग्री डिफाइंड है ऑर्डर क्या होगा टू होगा क्योंकि हाइएस्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे हमने टू लिख लिया और उसकी पावर क्या है वन है तो डिग्री क्या हो जाएगी वन हो जाएगी क्योंकि है यहाँ पे वाई डैश नहीं है है पे नहीं चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं है, मतलब नंबर इसकी डिग्री ठीक है ध्यान से

इज नॉट डिफाइंड क्या होगी डिग्री इज नॉट डिफाइंड तो चेक करते हैं क्या ऑप्शन है जी हाँ ऑप्शन डी ही हमारा आंसर है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू एक्स स्क्सर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तो पहले चेक करेंगे कि ये डिफाइंड है या नहीं हमें चेक करना है कि ये पॉलिनामियल है या नहीं या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो किसी फंक्शन के अंदर आ रहा है या नहीं देखिए यहां पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ठीक है यहां पे dy बाई डी एक्स है और ये सिर्फ और सिर्फ y है तो हमारा जो डेरिवेटिव है कोई भी किसी फंक्शन के अंदर नहीं आ रहा है या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ये एक वाई डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई टाइप की एक पॉलीनोमियल है ठीक है तो डिग्री कैसी है डिफाइंड है अब डिग्री कैसे मिलेगी सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जिसकी पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी इसकी पावर क्या है जी हाँ वन है तो डिग्री क्या होगी डिग्री भी वन होगी तो ऑप्शन बी में हमें डिग्री वन मिल रही है तो ऑप्शन बी इज द आंसर चलिए अब नेक्स्ट 9.2 पॉइंट टू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब सोलूशन है ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता चलेगा आपको गिवन होगा y डैश वाई डबल डैश या डैश वाली डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी टू वाई बाई डी एक्सर ठीक है ऐसा गिवन होगा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और जो y या फिर x वाले फॉर्म में होगा जहां पे डैश नहीं होगा वो आपका फंक्शन होगा ठीक है तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे y डबल डैश और y डैश है मतलब हमें दोनों ही फाइंड करना है कैसे फाइंड करेंगे जो फंक्शन है y e टू द पावर x 1 वो लिख लेंगे अब y डैश मतलब क्या y डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसे हम लिखते हैं dy dx बस इसका क्या निकाल लेना है जी हाँ डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करना है तो e टू दी पावर x का तो e टू पावर x और वन का जीरो हो जाएगा y डबल डैश की बात करें मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वे अब इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा e टू दी पावर x अब क्या करेंगे जी हाँ नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें जो है y डबल डैश माइनस y डैश जिसका आंसर हमें जीरो लेके आना है क्या लेके आना है जीरो अब देखिए y डबल डैश की वैल्यू है to टू दी पावर e to टू power, e power x और y डैश की वैल्यू क्या है y डैश की वैल्यू भी है e टू दी पावर x तो माइनस में e to टू power x हो गया ये दोनों तो जीरो का आंसर लेके आएंगे ठीक है जीरो हो गया ठीक है तो हमारा आंसर जी हाँ वेरीफाई हो गया इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है y वाई डैश माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अब यहां पे क्या करना है जी हा एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू के क्वेश्चन वन से लेकर टेन तक सबको क्या करना है वेरीफाई करना है ये हमारा जो फंक्शन है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सल्यूशन है या नहीं वो चेक कर रहा है ठीक है तो हमारा फंक्शन है y is equal to x square plus two x plus c क्लियर है हमें क्या फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए सिर्फ और सिर्फ y dash है मतलब एक ही y dash मतलब dy by dx फाइंड करना है तो y dash क्या होगा समझिएगा two x होगा स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स हो जाएगा टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है टू होता है और सी है कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है वाई डैश माइनस टू एक्स माइनस टू ठीक है उसका आंसर हमें जीरो लेके आना है तो यहां पर हम लिख सकते हैं वाई डैश क्या है टू एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स माइनस तू। तो टू एक्स टू एक्स भी गया टू टू भी गया तो आंसर क्या आ गया जीरो तो जी हां ये हमारा फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है क्योंकि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया मतलब हैं प्रूड हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थ्री है। y is equal to cos x plus c एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है। y dash plus sine x is equal to zero। यहाँ पे भी चेक करना है कि आपका फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो फंक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले क्या है फंक्शन? y is equal to cos x प्लस का सी अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं क्योंकि यहां है तो माइनस मतलब तो अब सी का डेरिवेटिव जी हाँ जीरो हो जाएगा तो हमें वाई डैश मिल गया नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें वो है वाई डैश प्लस साइन एक्स ठीक है तो वाई डैश की वैल्यू तो माइनस साइन एक्स है प्लस साइन एक्स हो गया यहाँ पे और माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो गया जीरो तो हमें क्या लेके आना था देखिए जीरो मतलब वेरीफाई हो गया हेंस तो क्या है ये सोलूशन है हमारा ठीक है ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है, y है y xy तो सबसे पहले जो फंक्शन है प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डैश यहाँ पे देखिए वाई डैश है बाकी सब तो नॉर्मल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वाई डैश निकालेंगे वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन क्या होता है वन अपॉन का टू रूट एक्स लेकिन यहां पे रूट एक्स नहीं है यहाँ पे वन तो प्लस तो हो गया जी नहीं अभी भी बाकी है root x का का होता है है और x का हो जाता लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है ठीक है तो एक्स स्क्र का क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा ये बात क्लियर है अब समझिए हमें y डैश की जगह पे क्या लेके आना है एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो समझिए यहां पे टू और टू को हम कैंसल आउट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कैंसल आउट जिससे हमें क्या मिल जाएगा यहां पे एक्स अपॉन में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर समझिएगा बड़े ध्यान से यहां पे मैं मल्टीप्लाई बाय वाई कर दू और डिवाइड बाय वाई कर दू तो सेम टू सेम मिल जाएगा और ये वाई वाई कैंसिल आउट हो गया तो अगेन सेम मिल गया लेकिन ये एक्स इन वाई हो गया यहां पे और अगर यहां पे हम देखें तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर और y की वैल्यू क्या है देखिए ध्यान से फंक्शन में y इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर तो यहां पे अगर मैं अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रख दू ठीक है तो क्या हो जाएगा ये रूट रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें मिल गया एक्सवाई अपॉन में रूट रूट चला गया तो सिर्फ बच गया वन प्लस का एक्स स्क्वायर और ये था वाई डैश तो क्या हमें ऐसा है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जी हाँ देखिए वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में वन प्लस स्क्वायर तो वो हमने प्रूफ कर दिया यानी हेंस प्रूव हो गया तो ये हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन फाइव है वाई इज इक्वल टू ए एक्स एंड उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्सवाई डैश इज इक्वल टू वाई यानी ये हमारा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू ए एक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई क्या करना है जी चेक करना है कि ये करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं तो जो भी हमारा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू ए एक्स हमने पुट कर दिया अब देखिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें क्या गिवन है y' तो इसका y' क्या हो जाएगा मतलब डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा ax का डेरिवेटिव तो ax का डेरिवेटिव तो a हो जाता है क्लियर है तो y' a तो मिल गया अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है नाउ xy' लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो क्या होगा x तो x है और y' क्या है a है एक्स ए हो गया अगर मैं देखू एक्स ए तो क्या है एक्स इंटू या फिर ए इंटू एक्स तो वाई है तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे वाई लिख सकते हैं तो हैंस प्रूव हो गया भाई क्या हो गया हेंस प्रूव मतलब ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन है y जो x x, जो हमारा हमारा फंक्शन है है और डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में जी हाँ हमें ये वेरीफाई करना है कि गिवन फंक्शन इज अ सोलूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट तो चलिए देखते हैं फंक्शन जो है वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स गिवन है अब यहां पे आपको y दिख रहा होगा मतलब फर्स्ट ऑर्डर तो इसका ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा है दोनों multiplication में तो रहेगा रहेगा का और जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा ठीक है मल्टीप्लीकेशन के लिए डिफ्रेंसिएशन की फॉर्मूला है क्या होगा यहां पे वाई डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स ये हमें मिल गया अब देखिए ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई इसको आप कैसे लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई डैश क्या है एक्स कॉस एक्स है प्लस साइन एक्स है यहां पे ठीक है तो क्या हो गया यहां पे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स एक्स साइन एक्स हो गया यहां पे x साइन x को अगर हम देखे तो x साइन x तो y है तो इसकी वैल्यू हम y पुट कर देंगे ठीक है एक्स स्क्वायर और आप cos x को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और उसका रूट कर देना है और यहां पे क्या हो गया y हो गया ठीक है तो यहां पे हमें मिल गया x अगर इस एक्स को अंदर लेके जाए X के मैंने दो पार्ट कर लिए एक X और दूसरा तो तो एक X को अगर हम अंदर लेके तो पे X हो जाएगा और यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में वाई अब समझिए एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स स्क्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर लेकिन एक्स साइन एक्स तो क्या है हमारे पास जी हां उस तो वाई है तो यहाँ पे वाई आ जाएगा तो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस y और x साइन x का होल स्क्वायर है तो यहां पे y स्क्वायर हो गया तो प्लस में y है तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्या आ रहा है जी हाँ देखिए आ गया तो ये फंक्शन जो है हमारा वो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन सेवन में फंक्शन गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी और डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स वाई वेर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वन तो जो हमें फंक्शन गिवन है दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी हम लिख लेंगे यहां पे हमें करना क्या है हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वेरीफाई करना है ठीक है तो सबसे पहले यहां पे वाई डे आपको दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमें क्या करना पड़ेगा जी हां इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो यहां पर हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई और यहां पर भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y प्लस सी मतलब बोथ ऑफ दी साइड मतलब बोथ साइड हमने क्या किया जी हां डिफ्रेंसिएशन किया है तो एक्स वाई है क्या है मल्टीप्लीकेशन में है दोनों तो फर्स्ट का डेरिवेटिव वन होगा सेकेंड कॉन्स्टेंट प्लस फर्स्ट कॉन्स्टेंट सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब y डैश हो गया ठीक है यहां पे डी बाई डी एक्स लॉग वाई है लॉग वाई मतलब वन अपॉन वाई डेरीवेटिव उसका लेकिन यहां पे y है तो y का भी हो जाएगा y डैश क्या हो जाएगा y डैश और कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं भाई ये y हो गया यहाँ पे एक्स वाई डैश हो गया और ये वाई यहां तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पे तो वाई इज इक्वल टू वाई डैश मिल गया वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो गया प्लस में एक्स वाई वाई डैश मिल गया ठीक है इज इक्वल टू वाई डैश अब क्या करेंगे यहां से और यहां से वाई डैश को कॉमन निकाल लें क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे ठीक है तो यहां पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश क्लियर है तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन निकल गया यहां पे वन माइनस एक्स वाई हो गया तो जिसे हम लिख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स वाई तो क्या ये आंसर है हमारा जी हाँ, यही तो आंसर है चेक कर लीजिए क्वेश्चन एट में गिवन है, है? है y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स जो हमारा फंक्शन है और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y, sin y, plus cos y. प्लस एक्स और इस होल के साथ मल्टीप्लीकेशन में है वाई डैश जिसका आंसर आना है वाई ठीक है तो हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं वेरीफाई कर लेना है ठीक है तो वाई माइनस कॉस वाईक्वल टू एक्स ये हमारा फंक्शन है यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में देखे तो वाई डैश है तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव करना है हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वाई डैश माइनस कॉस वाई का होता है माइनस का साइन वाई माइनस का साइन वाई और वाई का अगेन डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे वाई डैश एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है ठीक है यहाँ, तो यहाँ पे वाई डैश और वाई डैश निकल जाएंगे कॉमन तो यहाँ गया साइन वाई और ये वाई डैश तो कॉमन निकल गया था यहां पे वन आ गया विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू वन अपॉन में वन प्लस साइन वाई ये हमें वैल्यू मिल गई ठीक है अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें कुछ इस तरह से गिवन है ठीक है तो लिख लेते हैं नाउ वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है वाई डैश ये हमारी एल एच एस है तो यहां पे क्या लिख सकते हैं वाई साइन वाई Y x को ध्यान से देखिए हमारा फंक्शन क्या था वाई माइनस आप लिख सकते हैं y आप लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन में वाई डैश है जिसे आप लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस साइन वाई ये लिख सकते हैं तो देखिए इन दोनों में से मैं वाई कॉमन निकाल लू वाई कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया साइन वाई प्लस का वन और यहां पे क्या है वन अपॉन वन प्लस साइन वाई ये है तो दोनों को कैंसल आउट कर दे तो क्या मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ y यही तो हमें प्रूफ करना था हेन्स प्रूव देखिए यहां पे y लेके आना था तो वो लेके आए तो यहां पे क्या हो गया फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है यहां पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई जो हमारा फंक्शन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वेरीफाई करना है हमें तो जो भी हमारे पास यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ये हमारा फंक्शन है उसका क्या करेंगे यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल डालेंगे जिससे क्या हो जाएगा यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो गया y का डेरिवेटिव y डैश हो गया टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होता है या फिर डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर ठीक है लेकिन y था तो उसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा जो होता है y डैश यहाँ पे हमने लिख लिया है क्लियर है अब क्या करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वन वैसे ही रहेगा यहाँ पे क्या होगा वन अपॉन वन प्लस माइनस में वाई डैश दोनों में से वाई डैश कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा वन इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन निकाल लिया बच गया वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का वन ये बच गया ठीक है इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा वाई डैश वन माइनस माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर हो गया ठीक है तो ये वन और वन क्या हो गया कैंसल आउट हो गया सिर्फ क्या बचा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर ठीक है तो यहां पे हम लिख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं ठीक है ये क्या है वाई स्क्वायर है अब देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन है स्क्वायर तो ये जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख लेंगे क्या है वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन जिसका एल एच एस पार्ट हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड लिखा है इज इक्वल टू क्या होगा वाई स्क्वायर y डैश की क्या वैल्यू है माइनस में वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस में वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर ये वैल्यू है उसकी वो हमने पुट कर दी है ठीक है फिर क्या करना है प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया प्लस वन लिख लिया क्या होगा यहाँ पे y स्क्वायर y स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा ठीक है तो ये माइनस माइनस क्या होगा माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर हो गया ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये प्लस वन हो गया तो सारी ही टर्म्स जो है देखिए माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया जीरो आ गया तो देखिए वही तो लेकर आना था आंसर तो हेंस

लिख लिया है ठीक है यहां पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स है तो हम यहां पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स लेकिन यहां पे अंडर रूट का क्या होता है जी हाँ जब भी आप डी बाई दी रूट एक्स करते हैं तो आंसर आता है वन अपॉन टू रूट एक्स ये आपको याद रखना है क्लियर है तो यहां पे हम लिख सकते हैं वन अपॉन में टू रूट एक्स की जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है लेकिन यहां पे ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का भी डिफ्रेंसिएशन होगा ए स्क्वायर का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स हो जाएगा ठीक है ये माइनस टू एक्स हो गया ये आपका टू और ये टू क्या हो गया कैंसल आउट हो गया तो हमें क्या मिला यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल में रूट e है e x का रूट वाई तो है तो यहाँ पे हम वाई पुट कर सकते हैं अब इस इक्वेशन की बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात तो एक्स प्लस वाई डीवाई बाय डी एक्स ये हमने लिख लिया ठीक है विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स है माइनस एक्स अपॉन में वाई तो ये वाई वाई कैंसल आउट हो गया एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स तो आंसर आ गया हमारे पास जीरो तो हैंस प्रूव हो गया देखिए ये जीरो ही है तो हैंस तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है मतलब ऐसा हो सकता है y' plus y'' या फिर y' प्लस वाई ट्रिपल डैश या फिर प्लस वाई फोर टाइम्स ठीक है यहां पे बोला गया है फोर्थ ऑर्डर और बोला है कि आर्बिटरी कांस्टेंट कितने होते हैं एक बात समझिए कि जब भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो फर्स्ट ऑर्डर का है कौन से ऑर्डर का है फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे वन ठीक है अगर ऑर्डर टू है सेकेंड ऑर्डर है तो कॉन्स्टेंट होंगे टू ठीक है थर्ड है तो कांस्टेंट होंगे three. इसी तरह जितना भी आपका जो भी नंबर का ऑर्डर है मतलब जो तो पे कौन सा ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ ऑर्डर है तो उसमें आर्बिटरी कॉन्स्टेंट भी कितने होंगे जी हाँ फोर होंगे तो ये स्टेटमेंट आपको बस याद रखनी है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन ट्वेल्व है

उतने ही आर्बिटरी कांस्टेंट आ जाते हैं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं आता तो हमें यहाँ पे क्या बोला है थर्ड ऑर्डर लेकिन बोला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ऑर्डर भले ना कितना भी हो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें आर्बिटरी कॉन्स्टेंट मिलेगा ही नहीं तो आपका जो आंसर है वो जीरो आएगा ठीक है अगर यहाँ पे क्या होता है जनरल सोल्यूशन होता तो आंसर क्या आ जाता आपका थ्री आ जाता ठीक है लेकिन पर्टिकुलर है तो आंसर जीरो आएगा तो इसी के साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज है वो भी खत्म होती है आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक आप रिविजन कीजिए नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्न हब के साथ क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट